हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट की। तो आज स्टॉक में बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। यहाँ पर भी आप नोटिस कर रहे हो कि आज मार्केट कुछ सही नहीं चला है, इसी वजह से आज ज़्यादातर स्टॉक्स रेड जोन में क्लोज हुए हैं कहीं ना कहीं। इसके भी एनालिसिस कर लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप नोटिस कर रहे हो गल्फ ऑयल का ये वीकली TF है, और आप यहाँ पे देखोगे गल्फ ऑयल ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको बहुत अच्छे रिस्पेक्ट कर रहा है। इधर देखोगे यहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ पे दो हिट्स यहाँ हुए हैं, और वीकली हिट्स हैं ये, तो ज़्यादा ही होंगे डेली पे इनफैक्ट। और इधर भी आज सेलिंग देखने को मिली है आपको। और ऑलरेडी अगर नीचे की बात करें, नीचे वाली ट्रेंड लाइन, तो जब ये लिस्टेड हुई थी कंपनी 2014, वही ट्रेंड लाइन वहाँ से चली आ रही है, और उसी ने आज ये सपोर्ट बनाया है। मतलब पहले भी यहाँ सपोर्ट चल रहा था, और फर्दर इसी का मोमेंटम कैप्चर हुआ है ऊपर जाके। तो यहाँ पे अब आप नोटिस करोगे आज जिस लेवल पे स्टॉक गिरा है, ऑलमोस्ट 10% के अराउंड का लेवल था ये, तो स्टॉक ने ये सपोर्ट लिया है। सपोर्ट इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सपोर्ट था इस लेवल पे, इसीलिए ये सपोर्ट यहाँ भी आज लेते हुए दिखाया स्टॉक आपको। फर्दर अगर ड्रॉप होता है स्टॉक, तो फिर आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है, ये वाला 539 के अराउंड का लेवल, क्योंकि इधर पर भी आपको बहुत ज़्यादा हिट्स होंगे, मैक्सिमम हिट्स इसी लेवल जोन में आएंगे, इसीलिए आपको ये लेवल देख के चलना है। बिकॉज अगर मंडे फिर ये ड्रॉप होता है तो यहाँ तक आ सकता है स्टॉक, एंड अगेन उसके बाद भी ड्रॉप है तो 500 का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 500 के बाद थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेशन कर सकता है, बिकॉज यहाँ जोन बहुत ज़्यादा गहरा आएगा वीकली TF पे, इसीलिए। तो पुराने पैटर्न्स को ही देख के बता रहा हूँ इस स्टॉक में। तो ये दो आपके ट्रेंड लाइंस हैं जो आपको नीचे गिरते हुए आपको समझ के रखनी है, जिस हिसाब से आज स्टॉक में फॉल आया है। वैसे तो अभी भी बुलिश मोमेंटम पर है स्टॉक, नो डाउट, क्योंकि EMA क्रॉस अभी भी उसको बुलिश मोमेंटम ही दिखा रहे हैं, नीचे इनको सपोर्ट लेने आया नहीं है। तो अगर मंडे बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है तो स्टॉक फिर से यहाँ तक ट्रैवल करेगा, यही लेवल रहने वाला है ट्रैवलिंग का, बिकॉज एक हिट्स और दे सकता है मंडे, तो फिर यहाँ तक आ सकता है। और अगर जस्ट इन केस वो फेल होता है, तो फिर आप समझ जाइए कि लेवल आपके कुछ ये दिखने वाले हैं आने वाले दिनों में, बिकॉज EMA क्रॉस पर सपोर्ट लेगा। फेल होता है फर्दर आप देखोगे तो EMA क्रॉस फ्लैट होते हुए ऐसे ऐसे ड्रॉप दिखने मिलेंगे, और फिर कुछ आप समय बाद स्टॉक को नीचे गिरते हुए पाओगे। तो उस हिसाब से आपको अपने पोजीशंस एडजस्ट करके रखनी है, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखना है। आज बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, जाहिर सी बात है। इवन ऐसे स्टॉक में नहीं, आज मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक में लॉसेज देखने को मिले हैं, सडन फॉल था कई जगह। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसीलिए बोलता हूँ कि लगा के रखिए, ऐसे सडन फॉल्स आते हैं तो रिटर्न्स आपके सीधे ही चले जाते हैं। तो फिलहाल के लिए तो स्टॉक का मैंने आपको बता दिया है क्या मोमेंटम रहने वाला है। ऊपर जाता है तो ये एक मेजर हर्डल रहेगा, ये निकलेगा तब आपके कुछ ऊपर के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ये हर्डल 650 मान सकते हैं एज अ साइकोलॉजिकल लेवल, 650 सस्टेन कर जाएगा तब फिर आपको ऊपर की दिशा मिलेगी, तो वो 680 के अराउंड के टारगेट्स निकलेंगे, 680 एंड 700। और नहीं होता है अगर ऊपर, तो फिर आपको ये दो टारगेट नीचे मैंने बताई दिए, यहाँ तक स्टॉक ट्रैवल कर सकता है। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।